हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाई गौरव सर पॉलिटिकल साइंस ट्वेल्थ में हैं और इमरजेंसी डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर जो वीडियो डाला हुआ है आपके चैनल पे उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे इमरजेंसी इम्पोज हुआ था उसके बारे में तो इस लेक्चर में उसके आगे वाला पार्ट मीन्स कंजीक्यूंसेज ऑफ द इमरजेंसी इमरजेंसी का इफेक्ट क्या रहा इमरजेंसी का कंजीक्युंसेज क्या रहा ये हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कन्जिक्युंसेज भाई इमरजेंसी इम्पोज हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टी ही झेलते हैं जी हाँ क्योंकि सरकार का कोई भी स्टैंड सबसे पहले विपक्षी पार्टी को ही झेलना पड़ता है अब जैसे आप न्यूज़ में सुन रहे हो गए, कल ही, ही पटना में क्या हुआ है बीजेपी वालों को दे दनादन पटना पुलिस ठीक कर दी एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है एक नेता की मौत हो गई तो इमरजेंसी भी लागू हुआ तो विपक्षी पार्टियों जो जो फेमस लीडर थे सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया जी हाँ और तो और स्ट्राइक करना बैंड हो गया मीन्स आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं पहला ये है। और तो और क्या आपको लिखा प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है सर मीन्स आपने अभी तक तो कुछ कांड किया नहीं है कुछ क्राइम किया नहीं है लेकिन आप पे शक है कि आप कर सकते हैं हजारों हजार लाखों लाख बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं लोगों को क्या किया गया अरेस्ट कर लिया गया अभी कोई ग्राउंड हुआ भाई प्रिवेटिव डिटेंशन कोई हमारे जैसा इंसान को भी आके बोले हमें शक है आप पे कि आप कुछ क्राइम कर सकते हैं ले जाओ जेल में बंद कर दिया गया जितने पॉलिटिकल लीडर थे आज का जो आडवाणी साहब हो गए मुरली मनोहर जोशी यहाँ तक कि लालू यादव नीतीश कुमार सुशील मोदी शिवराज सिंह चौहान सब इमरजेंसी के ही तो लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सब मोदी जी यहाँ तक उस समय थे तो ये सब क्या इमरजेंसी के टाइम सब लाठी झेले हुए सब जेल गए हुए हैं सबको जेल में बंद वहाँ तक तो छोड़ो अब मीडिया उस समय की मीडिया आज वाली गोदी मीडिया नहीं होती थी आज सरकार पे हर एक जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी मतलब तारीफ में नहीं डूबी होती थी कुछ मीडिया थे जो हिम्मत रखते थे उन पर सेंसरशिप लगा दिया गया सेंसरशिप मतलब पहले आप क्या छापोगे वो हमें दिखा दो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता था तब आपको छाप छापने का मौका देंगे भाई आर्टिकल नाइनटीन ले लोग के भी है फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं बिल्कुल बंद कर दिया यहाँ तक कि प्रेस की के, के लाइट काट दिया जाता था लाइट नहीं जाएगा तो पेपर या मैगजीन प्रिंट कैसे होगा इसके विरोध भी हुआ ऐसा नहीं कि लोग घुटने टेक दिए थे लोग बिल्कुल विरोध भी कर रहे थे विरोध में आपको इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्स दो न्यूज पेपर होता था जी हाँ न्यूज पेपर थे ये अपने एडिटोरियल पेज जैसे आज भी जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो गए एडिटोरियल पेज को ब्लैंक रख देते थे विरोध में कि हम लोग इसका विरोध करते इमरजेंसी का तो विरोध भी हो रहा था क्योंकि भाई ऐसे घूटने कौन टेक देगा ठीक है वहाँ तो और दो मैगजीन था सेमिनार और स्टेट्समैन ये न्यूज़पेपर स्टेट्समैन थे मैगजीन थे ये दोनों तो बोला भाई सेंसरशिप फेस करने से अच्छा है हम बंद कर देते हैं तो ये दोनों मैगजीन को बंद ही कर दिया इन लोगों ने मैगजीन छापने वाला बोला भाई सेंसरशिप क्यों झेलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या छापें हम क्या बोले यदि गवर्नमेंट पहले सेंसर लगा दे कि आप पहले हमसे अप्रूवल लें तो छापने का क्या फ़ायदा तो इस कारण से ये दोनों मैगजीन को बंद ही कर दिया इन्होंने और क्या हुआ और आप देखो तो कॉमनल भी हारमोनी बिगड़ गई थी ऑलमोस्ट कैसे आर समझ सकते हो हिंदू संगठन है इसको बैन वहीं पे मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी को भी बैन कर दिया गया अब सोचो एक तरफ हिंदू खफा एक तरफ मुस्लिम खफा दोनों को मैं गुस्सा तो कॉमनल हारमोनी भी कुछ अच्छा नहीं था इस समय ठीक है यहाँ तक और क्या प्रिवेंटिव डिस्टिटेंशन बता दिया बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया अरेस्ट कर लिया गया इस शक पे बोला गया कि आप क्राइम कर सकते हैं कुछ हैवियस कॉर्पस क्या होता है सर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्कशन है मींस यदि किसी को आप अरेस्ट किए हैं तो विथ द बॉडी आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट्स के पास लाना होगा जैसे कोई भी अरेस्ट होता है देखना उसको पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है इसको भी ऑलमोस्ट खत्म और बोला गया कि भाई जैसे अगला हम लिखे होंगे आपका हाँ फंडामेंटल राइट बोला गया कि टोटल फंडामेंटल राइट चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन है इसलिए कैंसिल किया गया ख़त्म किया गया तो यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं बताया जाता था कि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो भी फंडामेंटल राइट है आपको पता है तो फंडामेंटल राइट ही कोई नहीं बचा तो क्यों बताएंगे कोर्ट में आप केस भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों अरेस्ट किया गया भाई हमारा रीट है ना आर्टिकल 32 में जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट right का वायलेशन हुआ कुछ हाई कोर्ट्स बोला कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप हाई कोर्ट्स बोला नहीं इमरजेंसी है तो क्या है लोगों को ये जानने का अधिकार है कि हम क्यों अरेस्ट हुए हैं लोगों को हैवियस्ट कॉर्पस के खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार है फंडामेंटल राइट right को बचाने का अधिकार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अप्रैल नाइनटीन में एक ऐसा डिसीजन दिया जिसका क्रिटिसिजम आज तक सुप्रीम कोर्ट झेलता है होता है बोल दिए क्या कि नहीं आप क्या कर सकते हैं आप चूंकि है इमरजेंसी के इम्पोज है इस समय तो आप अपना फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए नहीं जा सकते हैं कोर्ट मतलब कोर्ट में आप अपील भी नहीं कर सकते आप बताओ एक माए बाप पब्लिक का सुप्रीम कोर्ट होता है वो भी ऐसे घुटने टेक दे वो भी ऐसा डिसीजन दे पब्लिक क्या करेगी भाई जिसके परिवार जेल में है वो सोच लेगा कि अब तो भाई कोई उपाय नहीं है जो जेल में है वो भी सोचेंगे यही डेस्टिनी में कि बचाएगा कौन कोठी तो बचाती है यदि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ताना सा हो जाए तो आज भी कोठी तो हम लोग का सहारा होता है कोठी बोल दिया कि नहीं कोई भी पिटीशन नहीं फाइल कर सकता कि हमें क्यों अरेस्ट कर लिया गया सोचो शीशो आज भी क्रिटिसाइज होती है सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि तो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था इंडियन हिस्ट्री में और क्या हुआ पार्लियामेंट उसी समय आपको बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इंदिरा गांधी की इलेक्शन को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था बोला था आप एम अब आज से नहीं हैं तो इसी इमरजेंसी में फिर क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और बोला गया कि कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा सोच सकते हो ये भी हुआ जी हाँ मतलब इलाहाबाद के हाई कोर्ट को कौन वैलिड व्हाइट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि बोल दिया गया कि कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है डिसीजन को अब जब कोर्ट में ही चैलेंज नहीं किया जाएगा भाई तो क्या होगा मतलब कि इंदिरा जी ठीक है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट किसी भी इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में और तो और इसी बीच में लाया गया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के टाइम में ही अब सोचो मेन मेन लीडर तो जेल में ही थे तो कोई विरोध करने वाला पार्लियामेंट में होता होगा जो मन करे गवर्नमेंट का कर दो मेजोरिटी भी लैंडस्लाइड थी बताया था इंदिरा जी अकेला दम पे बहुत सीट लेकर के आई थी अब देखो इसी को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सर इसमें है क्या तो इसमें इतना ज़्यादा चेंजेज किया गया कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बदल दिया गया था इसीलिए तो इसका नाम हो गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बता देता हूँ जैसे प्रेसिडेंट को ये बाउंड कर दिया गया था कि आपके पास कोई ऑर्डिनेंस या कोई बिल जाता है तो साइन करना आपको जरूरी है मैंडेट्री है प्रेसिडेंट बिल्कुल बांध दिया गया हाथ बाद में बताऊंगा कि इसको फिर फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट 1978 में बहुत चीजों बदला गया एक और कंट्रोवर्शियल चेंज क्या हुआ एक और कंट्रोवर्शियल चेंज हुआ कि जो लोकसभा का जैसे टेन्योर होता है कार्यकाल तो बताया था कि पहला इलेक्शन 1952 दूसरा 57 तीसरा 62 चौथा 67 अगला 72 में होना था लेकिन इंदिरा जी पहले बोल करके करवा ली थी 71 वन तो अगला होना है मतलब पाँच साल का कार्यकाल होता है ना पाँच साल का टेन्योर होता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पाँच से छः साल का कार्यकाल कर दिया गया मतलब पाँच साल पे चुनाव नहीं होगा छः साल पे होगा और तो और बोला गया इमरजेंसी केस में एक साल और बढ़ाएंगे जब चाहे बढ़ा सकते हैं मतलब अगला चुनाव सतहत्तर में ना होकर के नाइनटीन सेवेंटी एट में होगा अठहत्तर में सोत्रो ड्रामा ट्रेन्यूअल भी बढ़ा दिया गया ये सब इफेक्ट था इतनी ज्यादा और ये सब तो आपके बुक में लिखा हुआ है इनफॉर्मल बातें तो यहां तक किया जाता है कि ऑफिसरों को टारगेट दिया जाता था कि आप पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करवाएं जी हां लोगों का क्योंकि देश का पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है बताऊंगा ट्वेल्थ का जोग्राफी में या वीडियो में मतलब प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है लेक्चर देखना इंडियन पॉपुलेशन का जो थर्ड फेज है ना 1951 फिफ्टी टू सेवेंटी ये एक्सप्लोसिव फेज है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ गया था और तो 19 सॉरी 1951 टू टू एट्टी वन हाँ एटी सॉरी 1951 टू 81 इस फेज में एक्सप्लोसिव फेज बोलते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था तो ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दिया जाता था और तो और बोला जाता है कि जामा मस्जिद के पास एक झूकी झोपड़ी जैसा बस्ती होता था स्लम कोई फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले थे सारे बस्ती को रोलर चलवा दिया गया बोला साफ़ करो इसको राता राती साफ कर दिया गया क्या तो गंदगी ना दिखे ये सब चीजें इमरजेंसी में हुई है सोच सकते हो अभी भी जब मन करता है प्राइम मिनिस्टर को लोग भला बुरा बोल देते हैं क्रिटिसाइज कर देते हैं और उस समय सोचो क्या होता इतने बड़े बड़े प्रेस वाले को बोलने की हिम्मत नहीं थी जो बोलता था सरकार के खिलाफ लिखता था कितने सारे प्रेस रिपोर्टर को जेल में डाल दिया गया तो सर लोग सहन कर रहे थे सहन कर रहे थे भाई मजबूरी था लेकिन विरोध भी चल रहा था जैसे बताया कनाडा के एक राइटर होते थे शिव रामा कर, करांत ठीक है कनाडा राइटर इनको पद्म भूषण मिला हुआ था रिटर्न कर दिया गवर्नमेंट को दे दिया बोला डेमोक्रेसी में हम, हम तुम इमरजेंसी लगाओगे ले जाओ अवार्ड उसी तरफ फनीश्वर नाथ रेणु इनको पद्मश्री मिला हुआ था रिटर्न कर दिए बोले हम विरोध जताते हैं ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस रिपोर्टर लोग लिखते थे बोला जेल में डाल दिया गया या जो नेता अरेस्ट नहीं किए गए थे वो किसी तरह छिप करके भूमिगत होकर के विरोध अपना जता रहे थे कुछ कुछ कर रहे थे आंदोलन कि भाई एक यहाँ देश आ गया एक कहाँ से मतलब ऐसा सिचुएशन सिचुएसन तो अंग्रेजों जैसा हालत हो गया उससे भी गंदा बोल सकते हो डायरेक्ट एकदम सबको जेल में डाल दिया गया ये सब सारे हैं आपका इमरजेंसी प्रोविजन और तो और आप भी सोच सकते हो ऐसा बहुत सारे प्रोविजन इस ये तो इतना तो मोटा मोटी आपका बुक में बताया हुआ सो में लिख दिया और कभी ऐसा ना हो भगवान से मनाओ कि फिर कभी इमरजेंसी देखना पड़े देश में क्योंकि तो ये जो देखें उनसे कभी पूछना किसी का दादाजी से पूछना दादाजी के यदि पिताजी किसी का बस्त हो उनसे पूछना ऐसा सिचुएशन होता क्या है तो ये था आज का टॉपिक कंजिक्वेंसेज ऑफ द क्या इमरजेंसी इमरजेंसी का इफेक्ट बाकी नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक अगले दिन देखेंगे लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है आपसे सेम रिक्वेस्ट है वीडियो देखते रहें वीडियो को लाइक भी करते रहें चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें और ताकि हम मोटिवेट होते रहें थैंक यू